आज हमें भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर, और इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा आयोजन कल होने वाला है, कल करवा चौथ का व्रत भी है, और ये आयोजन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तकरीबन 10 दिनों के बाद में विदेशी यात्रा कर वापस भारत और जयपुर आ रहे हैं। विदेश क्यों गए थे? राइजिंग राजस्थान को लेकर, नए निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए। दिसंबर में राइजिंग राजस्थान होने वाला है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है इनके स्वागत की तैयारी कर रही है। इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जापान के दौरे पे गए थे तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा ही आयोजन किया गया था, लेकिन अब इस बार क्योंकि 10 दिन की यात्रा पे जर्मनी और यूके जाकर आ रहे हैं और वहां के निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं, जो दिसंबर में राइजिंग राजस्थान होने वाला उसकी तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं कि यहां पे बड़ा एक स्टेज बनाया जा रहा है और स्टेज पे क्योंकि कल स्वागत समारोह है, स्वागत समारोह के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेज बन रहा है। स्टेज पे तकरीबन नहीं करते हुए पूरे राजस्थान से 10,000 लोगों को बुलाने का टारगेट दिया गया है और साथ में कहा गया है कि भाई आप लोगों को आना है क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो है लगातार राजस्थान की जनता के लिए कुछ ना कुछ रोजगार पैदा करने के लिए ऐसे विदेशी यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि विदेशी यात्रा करने से राजस्थान में जब रोजगार आएगा तो रोजगार आने के बाद यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें रोजगार मिलने का अवसर प्रदान होगा, क्योंकि सुरक्षा भी चाक चौबंद है, लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। भाजपा से जुड़े तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी राजस्थान में आ चुके हैं और मीटिंगों का दौर है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी यहां पर है, बीजेपी से जुड़े हुए तमाम जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो लगातार मीटिंगों का दौरा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो है सुरक्षा को लेकर अपना निरीक्षण कर रहे हैं, प्रोटोकॉल को पूरा देख रहे हैं, क्योंकि बीच सड़क पे प्रोग्राम है, लेकिन कल करवा चौथ का प्रोग्राम भी है। करवा चौथ पे तो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार आदमियों को लाने का जो दावा कर रही है वो कितना तक लेकर आ पाएंगे ये तो कल ही मालूम पड़ेगा। तकरीबन 5,000 कुर्सियां भी मंगाई गई है, जो आप देख सकते हैं सड़क पर 5,000 कुर्सियां मंगाई गई है कार्यकर्ताओं के लिए, और ये कुर्सियां जो है अभी बिछा दी जाएगी। पूरा पंडाल बना रहे हैं, पंडाल जो है हल्के, क्योंकि बारिश के टाइम पे जब प्रोग्राम हुआ था उस समय डोम लगाया गया था, लेकिन क्योंकि अभी आप नवंबर का अक्टूबर का महीना अंतिम महीना चल रहा है और 10 दिन बचे हुए नवंबर आने में, गर्मी का प्रकोप अभी तक जारी है, सुबह शाम की ठंड है, और उसको देखते हुए यहाँ पर जो है टेंट लगाए जाएंगे, पंखे लगाए जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि जो तैयारी चल रही है मीडिया के बैठने के लिए भी एक जगह बनाई गई है यहाँ पर, जिससे कि कवरेज की जाए, और बाकी कार्यकर्ताओं के लिए और नेताओं के लिए आप सोफा सेट वगैरह तो आप देख ही सकते हैं सारी चीजें। तो तमाम जो है तैयारियां की जा रही है, तमाम जो नेता है वो लगातार जो है यहाँ बाहर दौरा कर रहे हैं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर रहे हैं, एक एक चीज बताई जा रही है कि कैसे जो है यहाँ पे सुरक्षा की जाएगी, कैसे कार्यकर्ताओं को किया जाएगा। और अभी हमें सूत्रों से मालूम पड़ा कि जो कार्यकर्ता आएंगे उनके लिए शायद खाने की व्यवस्था भी रखी जाएगी, लेकिन इन तमाम चीजों के लिए जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि राइजिंग राजस्थान को लेके सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं रोजगार लाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, राजस्थान को अव्वल लाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, और तमाम जो मंत्रिमंडल के जो इनके सदस्य हैं वो भी कहीं ना कहीं यात्रा करके राइजिंग राजस्थान की को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन घनश्याम के साथ में मनोज शर्मा, न्यूज वॉच भारत।